हेलो दोस्तों, मैं आरती, आरती ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों तो देख सकते हैं ऐसे कि होली का त्यौहार आया, हम लोग ना हमने मतलब घर पे ना बहुत सारी गुजिया और नमकीन बनाए हैं, तो वीडियो को हम पूरा लास्ट तक दिखाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी हम बनाने वाले हैं गुजिया। देख सकते हैं दोस्तों, मैदा मैंने सान लिया, सूखा हुआ आटा रखा हुआ है बेलने के लिए, पीढ़ा चकला रखा हुआ, गुजिया ऐसे करके मैंने तैयार किया। तो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। खोया के साथ खोया और सूजी और पिसी हुई जो शुगर होती है ना, चीनी जिसे बोलते हैं, वो मिक्स करके सूजी को मैंने कलार लिया है। कलारने के बाद दोस्तों से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद गुजिया मैंने बनाई है। तो देख सकते हैं बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने गुजिया बनाया दोस्तों। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। तो देख सकते हैं मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब बना रही हूँ, घर ही बनाया है। तो जैसे कि होली के त्यौहार पर सभी लोग बनाते हैं, तो मैंने भी बनाया है, वैसे तो सबके घर पर बनती हैं होली में। तो दोस्तों हैप्पी होली और पूरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा दोस्तों और कमेंट जरूर करिएगा, जिसको वीडियो अच्छी लगे, ना भी अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सजा के रखा हुआ है और बहुत ही मतलब यम्मी भी लगती है खाने में दोस्तों। वैसे तो सबके घर पे बनती है। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने बना के तैयार कर दिया है। अभी मैंने तेल में रिफाइंड तेल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों किस किस घर में बनी हुई है सब लोग कमेंट करके बताइएगा और बताइएगा कमेंट में कैसी लगी वीडियो। और दोस्तों जैसे कि मतलब सबके घर पे बनता है, वैसे मेरे घर पे भी मैंने बनाया है। तो दोस्तों देख सकते हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो जिसको भी कमेंट में कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है कि कैसे कैसे बनाया, क्या डाला इसमें, तो पूछ सकता है। और दोस्तों अगर आप लोग चाहेंगे तो हम ऐसे ही ब्लॉग आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे और ऐसे ही। तो ये नमक पा रहे हैं दोस्तों, जो नमकीन बोलते हैं, मैं ये भी बनाया है होली पे, सभी लोग बनाते हैं ना, मैंने बनाया। देखो देख सकते हैं मैंने इसको पहले आटे की लोई है ना, मैदे की, सूजी मैदा मिला के मोया लगा के मिक्स करके इसको कट कर दिया गोल सी रोटी बनाने के बाद। दोस्तों देख सकते हैं मैंने कैसे कट किया है इसको, फिर इसको साइड से काट दिया है। काटने के बाद मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगते हैं खाने में दोस्तों, नमकीन बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। फिर उसके बाद मैंने इसको फ्राई कर लिया है, यानी कि मैंने तेल में डाल के इसको फ्राई कर दिया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी यम्मी लगते खाने में। तो हम दिखाएंगे आपको पूरा, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरी वॉच करिएगा। देख सकते हैं अभी मैंने इसको तेल में फ्राई कर रहे हैं दोस्तों। तो अभी इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, एकदम स्लो स्लो आँच में इसको पकाएंगे। पकाने के बाद दोस्तों मतलब मैंने इसको अभी बनाने के बाद मैंने इसको खाया, उसके बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कमेंट में भी आप लोगों को पूछना, देख सकते हैं दोस्तों तैयार हो गई नमकीन और गुजिया, मतलब पूरी तरीके से मैंने इसको तैयार कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली और सबको हैप्पी होली हमारे।